मेरठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दूसरे दिन भी पुलिस सड़कों पर मुस्तैद रही। आज विभिन्न क्षेत्रों में चेकिंग करते हुए ऐसे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों के चालान काटे गए जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए नजर आए। अब तक कितने चालान हो चुके हैं और किस किस कैटेगरी के चालान? अभी मोटरसाइकिल पर जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, और जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो ऐसे लोगों का चालान किया गया है। कितने लोगों के अब तक आपने चालान किया? लगभग 15-16 चालान हो गए हैं। हो चुके हैं? हाँ। क्या इसमें पुलिस वाले भी हैं और पत्रकार भी हैं, क्या सबके चालान हो रहे हैं? हाँ, सभी के चालान हो रहे हैं। कुछ अभी हमने देखा कि आपसे सिफारिश भी लगाई जा रही थी, आपने नहीं मानी, क्या निर्देश है ऊपर से? भाई, यातायात के नियम सबके लिए बराबर हैं। अब इससे कोई भी बात कराता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, जो कमी है उसके चालान किया जा रहा है। यानी कि कोई सिफारिश नहीं है? कोई सिफारिश नहीं। सुनो जी, अभी आपका चालान हुआ है, क्या कहना है आपका इस बारे में? भैया, गवर्नमेंट में चालान के जो रेट बढ़ा दिए हैं ना, ये इससे पुलिस वाले की कमाई बढ़ी है। आम आदमी परेशान है। अभी पहला सीट बेल्ट का 100 रुपये का था, उसका 200 रुपये चालान था, आदमी देगा चालान बहुत ज़्यादा था। और 100 रुपये भी आदमी जेब से खो जाए ना तो बड़ा जोर पड़ता है। इसलिए आदमी सुविधा मत, ये 5-5 हज़ार रुपये चालान कर दिए ना, ये एक लोड मचा रखी है गवर्नमेंट ने। थैंक यू। मतलब आपका गवर्नमेंट नहीं आई। थैंक यू। फिरोजाबाद एसएसपी द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से असलाह की तस्करी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं उनका एक साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अभियुक्तों से 2 देसी पिस्तल, 8 तमंचे सहित लगभग 1 दर्जन जिंदा कारतूस के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। देखिए, ये थाना जसराना और एसओजी टीम के द्वारा एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें मुखबिर की सूचना को बहुत ही बेहद गंभीरता से लेते हुए 2 असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हम लोगों को 2 पिस्टल और 8 तमंचे बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं। इसमें ये जो 2 लोग हैं, विनोद शर्मा, ये पहले भी 1 साल पहले भी इसको दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम ने असलाह तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, और दूसरा व्यक्ति विपिन शर्मा। ये दोनों व्यक्ति जसराना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तो इस तरीके से जो मुखबिर की सूचना है उस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए, उसको गंभीरता से लेते हुए काफ़ी दिनों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे और एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये का नगद राशि का इनाम भी दिया जा रहा है। और इस तरीके से जो भी लोग अवैध तस्करी में इनके साथ अन्य लिप्त हैं, एक व्यक्ति इसमें मौके से फरार हुआ है, उसको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा जो इनके साथ नेटवर्क में लोग लिप्त हैं, क्योंकि ये 1 साल पहले भी दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हुआ था, पुनः ये उसी धंधे में लिप्त है, तो जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सब के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसमें हम लोग अन्य गिरफ्तारियां भी करेंगे। सर, ये जो सप्लाई देते थे, क्या ये जनपद से बाहर या प्रदेश के बाहर ही इनकी सप्लाई रही है क्या? जो अभी तक पूछताछ में निकल के आया है, ये लोग मध्य प्रदेश से इसको सोर्सिंग करते थे और उसके बाद फिर यहाँ पर ला के इसको बेचते थे। सर, कितने समय से चल रहा है ये? देखिए, ये जो इसमें विनोद है, ये 1 साल पहले मार्च 18 के आसपास दिल्ली पुलिस के द्वारा भी गिरफ्तार हुआ था, तो उसमें हम लोग और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो वहाँ से जेल छूटने के बाद भी इसने उसी काम को जारी रखा, तो इसमें काफ़ी समय से इसमें इन्वॉल्व थे लोग। थैंक यू। फिरोजाबाद थाना उत्तर इलाके के SRK महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान जमकर पथराव, हाथापाई और लाठी डंडे चले। छात्रों के बीच हुए इस विवाद से इलाके में भगदड़ मच गई। वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अभी कोई मामला हुआ है? क्या मामला है आपके कॉलेज में? नहीं, मामला ऐसा कुछ, उसका मामले का कोई कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, न कोई पृष्ठभूमि समझ में आ रही है। अब चूँकि एडमिशन वगैरह चल रहे हैं तो लोग बाहर के भी आ रहे हैं, गार्जियंस भी आ रहे हैं, कुछ उनके साथ पुराने विद्यार्थी भी आ रहे हैं। अब यहीं इसी इलाके में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहीं कुछ बच्चों में आपस में कासुनी हो गई और उस कासुनी को लेकर के मारपीट हो गई। यहाँ हम लोगों ने, हमारे प्रॉक्टर साथियों ने और शिक्षक साथियों ने उनको निकाल के बाहर मेन गेट पर गए तो वहाँ वो लोग पत्थरबाजी करने लगे बाहर से। इतनी बात, और पुलिस को फ़ोन किया गया तो पुलिस आ गई।
जिन बच्चों में मारपीट हुई है क्या वो बच्चे यहाँ शिक्षा मतलब यहाँ पे अध्ययनरत हैं? अब हमने देखा नहीं, ये तो जब किसी ने देखा हो वही बता सकता है कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने बाहर हैं। कुछ बच्चे घायल भी हुआ है, जैसे एक कोई लड़का नहीं, मैंने देखा नहीं है, केवल मैंने सुना है। मैं क्लास ले रहा था, मुझे सूचना मिली तो मैं निकल के आया, उससे पहले मारपीट जो भी हुई होगी हो चुकी होगी, इतनी ही जानकारी है। जादूगरों के कारनामे देखकर हैरान होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन यूपी पुलिस के कारनामे जादूगरों को भी हैरान कर देने वाले हैं। कानपुर में चकेरी पुलिस का ऐसा ही कारनामा देखने को मिला, जहां पुलिस ने सोने की चेन को पीतल की चेन बना दिया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब पीड़िता को चेन मिली तो वह हैरान और परेशान हो गई। देखिए रिपोर्ट। कृष्णा नगर रघुकुल स्कूल के पास दो लड़के बाइक से आए और मुझे धक्का दे गिरा दिया, मेरी चेन तोड़ दी। उसके बाद मतलब पुलिस वाले आए 100 नंबर डायल करने पर, इसके बाद जांच पड़ताल में मुझे बुलाया गया कि आपकी चेन मिली हुई है, आप आइए पहचानिए। जब मैं गई तो मुलजिम ने मुझे देख के कहा यही आंटी थी, इन्हें बोले भड़ास तो निकाल लीजिए। हमने कहा इसको मार के हम क्या करेंगे, आप भी मारिए तो मुझे बाहर भेज के मारिए, मैं देख भी नहीं पाऊंगी। मेरी चेन मिल जाए वही बहुत है, जितना कुछ मेरे साथ चोट चपेट हो वो तो लगी चुकी है। लेकिन उस दिन मुझे चैन दिखाई नहीं गई। उसके बाद अक्सर हम पता करते रहे, वहाँ कृष्णा नगर चौकी वही हमारे घर के नज़दीक है, वहाँ ये हुआ कि कोई सूचना आएगी तो आपको देंगे। फिर आज तक कभी सूचना नहीं आई। मतलब हफ्ते 10 दिन पहले एक वकील का फ़ोन आता है कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी, सारी चीज़ें उसने सही बताई। तो हम लोग जाके वहाँ चकेरी थाने में पता किए, तो वहाँ माल थाने में जो है उन्होंने कहा कि हाँ एक ट्रांसपेरेंट डिब्बी में पीली धातु लिखा है वो बरामद हुई है, आप कोर्ट से आर्डर लेके आइए छुड़ाइए। जब हम कोर्ट गए तो उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपए की जमानत लगेगी, 1,00,000 रुपए की जमानत करवाई। और उसके बाद जो मुझे चेन कल दी गई थी वो चेन सुनार बोल रहा पीतल की है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सीनियर सिटीजन के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी हो, लेकिन उसका लाभ अभी तक उन्हें आसानी से मिल नहीं पा रहा। योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं। ताजा मामला कल्याणपुर विकास खंड के बैकुंठपुर गांव का है, जहां रहने वाले 70 वर्षीय सोहन लाल की आ रही सरकारी पेंशन को बंद कर दिया गया। सोहन लाल जब इसकी जानकारी करने समाज कल्याण विभाग पहुंचे तो पता चला कि उनकी मौत होने के बाद से पेंशन बंद कर दी गई है। सोहन लाल ने समाज कल्याण अधिकारी को बताया कि साहब मैं जिंदा हूं, मेरी पेंशन बहाल करें। कल्याणपुर विकास खंड के बैकुंठपुर गांव के रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध सोहन लाल को वृद्धा पेंशन मिल रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उनकी पेंशन बंद कर दी गई। सोहन लाल अपने भतीजे के साथ समाज कल्याण विभाग पहुंचे तो वहां पर उनको पता चला कि उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जा चुका है। बंद पड़ी हुई है, अब ज्यादा रहे नो तो जब होए तो होए और बंद है। हां तो बाद का देखा किताब मालूम है मर चुके हैं। तो अधिकारियों ने यहां पे कभी कोई जांच के लिए आया? कोई नहीं आया, अपने आप ही से सब। हां सब क्या चीज ऐसी उसमें लिख दी कि जो बंद हो गई वो मर चुके साहब? तुम मर चुके हो? तो वो दिखा दिया कहाँ लगा, मर चुके। नहीं तुझे अधिकारी पास गए तो बताने कि हम जिंदा हैं। और हम गए नू विधायक भवन में, तो वहाँ कहाँ लगे तुम्हारा तो बंद हो चुका, मर चुके हो। अब हम क्या करें? गुनाही साहब मरे कहाँ ने, जिंदा ने, तो कहना हम क्या करें, क्या करें, जाओ बाहर, चलो बाहर। बाहर हमको हटा दिया, हमको वहाँ अपने पास रखा नहीं।